बड़ी चौपड़ पर ही बीजेपी की ओर से झंडारोहण कार्यक्रम हुआ। यहां प्रतिपक्ष के उपनेता घनश्याम तिवाड़ी और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने तिरंगा फहराया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। परंपरा रही कि सत्ता पक्ष के बाद विपक्ष की ओर से बड़ी चौपड़ पर झंडारोहण होता है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तिरंगा फहराती है, लेकिन इस बार नेता प्रतिपक्ष वसुंधरा राजे लंदन में होने के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। वहीं शहर में भाजपा के 6 में से 3 विधायक भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। केवल विधायक घनश्याम तिवाड़ी, कालीचरण सर्राफ और मोहनलाल गुप्ता ही समारोह में मौजूद रहे। समारोह में तिवाड़ी ने प्रदेशवासियों से भ्रष्टाचार मुक्त देश के निर्माण करने की अपील की। उन्होंने बताया कि आसाम और कश्मीर में हो रही हिंसा के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को दोषी ठहराते हुए जल्द ही इस समस्या का समाधान करने की मांग की। आजादी के बाद आज 4 लाख शरणार्थी आसाम के शिविरों में है, कश्मीर के पंडित शरणार्थी बनकर आए हैं। आजाद देश के लिए ये सबसे बुरी बात है कि उसी के नागरिक उसके देश में विदेशी आक्रमणकारियों के कारण से शरणार्थी बनकर रहे हैं। हम सबको इन चुनौतियों का सामना करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। और जैसा कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा है, भ्रष्टाचार के तंत्र से हमको हमारी संस्थाओं को बचाना पड़ेगा, लोकसभा को बचाना पड़ेगा, विधानसभा को बचाना पड़ेगा, न्यायपालिका को बचाना पड़ेगा और इसके लिए प्रजातंत्र को मजबूत करना पड़ेगा। यही आज सब लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं। हम सब आज एक व्रत लें कि हम भारत की आज़ादी के लिए और पूर्ण आज़ादी जिसमें भारत का प्रत्येक नागरिक भारत माँ की जय स्वाभिमान से बोल सके, सबको 2 समय की रोटी, कपड़ा और स्वाभिमान मिले, इस बात का व्रत लें। ये कहते हुए अपनी तरफ से सब प्रदेशवासियों को शुभकामना देता हूं।